दुती जी नमस्ते। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नमस्ते। दुती जी, आपके तो नाम का ही अर्थ है चमक। दुती का मतलब ही होता है आभा, और आप खेल के जरिए अपनी चमक बिखेर भी रही है। अब आप ओलंपिक में छा जाने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता तो आप कैसे देखती हैं? पहले तो आपको ये बता देती हूँ, मैं एक रिवर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में सिक्स सिस्टर वन ब्रदर, मम्मी डैडी को मिले 9 मेंबर। जब मेरे घर में लड़की से लड़की पैदा होते रहते थे, गांव वाले ने मेरी मम्मी को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि इतना लड़की क्यों पैदा कर रहे हैं। तो बहुत गरीब फैमिली थे, खाने के लिए भी डाइट नहीं था और हमारे पापा का इनकम भी बहुत कम ही था। मन में यही आपके योजना माताजी लगी पिताजी मेरे सामने हैं। जी, तो मेरा मन में वही था कि मैं अच्छा खेलूंगी तो देश के लिए नाम रोशन करूंगी, कॉमर्स सेक्टर में जॉब मिल जाएगा और जॉब में जो पगार आएगा इसमें मैं फैमिली का सिचुएशन बदल सकती हूँ। तो आज स्पोर्ट्स के वजह से आज मैंने बहुत कुछ बदला है मेरी लाइफ को, मेरी फैमिली को। और मैं धन्यवाद दूंगी आपको और मेरे सर को जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आपके टीम के माध्यम से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। सिम नवीन पंडित सर भी मुझे बहुत मदद किया है और कीट किस का पंडित डॉक्टर साहब सर ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरा हमेशा मेरे लाइफ में तो कंट्रीब्यूशन रहता है। आपके टीवी माध्यम से एक बार मदद से पता होंगे आपको कि कितना चैलेंज करके कितना दिक्कत करके मुझे मैं आज यहाँ तक पहुँचू। मेरा मन में वही है, मैं जो साथ में ओलंपिक जा रही हूँ, सेकेंड ओलंपिक जा रहा हूँ, ओलंपिक रियल में भी पार्टिसिपेट किया था 6 ईयर के बाद 100 मीटर में पीटी सर दीदी के पास। अभी सेकेंड टाइम ओलंपिक जा रही हूँ। मेरे साथ में हमेशा हिम्मत तो रहनी चाहूंगी, मैं डरूंगी नहीं इधर। देखो इंडिया का कोई महिला कमी कमजोरी नहीं है, महिला आगे ही बढ़ते रहेंगे इंडिया में और महिला लोग आगे ही बढ़ते के देश का नाम रोशन करेंगे। मैं जैसे हिम्मत के साथ ओलंपिक में खेलूंगी और देश के लिए मेडल लेने के लिए कोशिश करूंगी। दुती जी, आपकी वर्षों की मेहनत का फैसला कुछ ही सेकंड में होना होता है। हार और जीत में पलक झपकने भर की देर होती है। इसका सामना करना कितना मुश्किल होता है। बेसिकली तो 100 मीटर में देखें तो आसान है, 10-11 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन इसको रिवर्सल करने में साल भर लग जाता है। बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। 1 100 मीटर भागने के लिए हमको 10 12 रिपीटेशन लगाना पड़ता है, बहुत सारा जिम एक्सरसाइज, बहुत सारा स्विमिंग पूल एक्सरसाइज करना पड़ता है और हमेशा चैलेंज की तरह लेना पड़ता है कि वो ब्लॉक स्टार्ट में आप थोड़ा सा गिर जाएंगे तो आपको डिस्कालीफाई करके निकाल देंगे। तो हर चीज को ध्यान देके हमको रनिंग करना पड़ता है। नर्वस तो रहता है मन में, डर भी आता है, लेकिन मैं हिम्मत के साथ लड़ाई करती हूँ। जैसे मेरा पर्सनल लाइफ में हिम्मत के साथ लड़ाई करके आ रही हूँ, तो ऐसे हमेशा 100 को हिम्मत के साथ चैलेंज के साथ लड़ाई करके मैं रनिंग करती हूँ और उसमें अच्छा टाइम भी करती हूँ और देश के लिए मेडल भी लाती हूँ। दुती जी, आपने देश के लिए बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। देश को उम्मीद है कि आप इस बार ओलंपिक पोडियम पर जरूर अपनी जगह बनाएंगे। आप निर्भीक होकर खेलों में भाग लीजिए। पूरा भारत अपने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आपके माता-पिता को विशेष प्रणाम।